निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिला। ऐसे में फाइनेंस निफ्टी की अगर हम बात करें कि फाइनेंस निफ्टी में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एंजल वन एप्लीकेशन पे आना है। एंजल वन एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको एप्लीकेशन का होम पेज है उसको ऊपर के थोड़ा स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको इंस्टा ट्रेड डिफरेंट का एक बैनर देखने को मिल जाता है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस आइकन देखने को मिलेगा। इस प्लस बटन पे आप फाइनेंस निफ्टी जो 25 अप्रैल की एक्सपायरी है इसका फ्यूचर को आपको ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। मैं इस पे जैसे सिंगल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इंस्टा ट्रेड की ट्रेडिंग विंडो पे चार्ट लग जाता है। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फाइनेंस निफ्टी का जो इंडेक्स है अपने इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस पे बना हुआ है, जो कि 18,800 का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। अगर फाइनेंस निफ्टी ये रजिस्टेंस को होल्ड कर लेता है तो वापस हमें फाइनेंस निफ्टी में 18,900 से लेकर 19,000 तक की हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर 19,000 का लेवल भी फाइनेंस निफ्टी पार कर लेता है तो हमें ऊपर साइड में 19,100 19,200 तक के अपसाइड के तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर फाइनेंस निफ्टी 18,800 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, इसके नीचे सस्टेन करता है और मार्केट में कमजोरी आती है, तो इस कंडीशन में फाइनेंस निफ्टी में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। और फाइनेंस निफ्टी जो है 18,600 से लेकर 18,500 के सपोर्ट दिखा सकता है। और अगर 18,500 का सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो इस कंडीशन में हमें 18,260 तक के इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक के फाइनेंस निफ्टी स्लिप होते हुए दिखाई दे सकता है। अगर फाइनेंस निफ्टी में लगता है कि इसमें तेज़ी बन सकती है तो हम बाय ऑप्शन करेंगे, और अगर लगता है कि इसमें गिरावट आ सकती है या मंदी आ सकती है तो हम यहाँ पे सेल ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे हम फ्यूचर में काम कर रहे हैं इसलिए फ्यूचर को हम इजीली बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन चेन के साथ जाना चाहते हैं, कॉल पुट के साथ जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चेन देखने को मिलेंगी, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। एंजल वन की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन भी देखने को मिल जाती है। ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने के लिए हमें एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाना नहीं होता है, हम एक ही विंडो पर सारे काम कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि फाइनेंस निफ्टी में तेज़ी आ सकती है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे इसको थोड़ा ये ऊपर जो स्क्रॉल कर लेते हैं और इसका जो एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस है इस पर हम आ जाते हैं, जो कि 18,800 के आसपास का है। अगर हमें लगता है कि फाइनेंस निफ्टी में तेज़ी आ सकती है तो हम 18,800 का जो कॉल है इसको बाय कर सकते हैं, या 18,900 के कॉल के साथ हम जा सकते हैं, या 18,700 के कॉल के साथ हम जा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि फाइनेंस निफ्टी में करेक्शन आ सकता है, गिरावट आ सकता है, इस कंडीशन में हम 18,800 का पुट को बाय कर सकते हैं, या 18,900 का पुट ये भी अच्छा लगता है इसके साथ हम जा सकते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इनमें हम पोजीशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि फाइनेंस निफ्टी 18,800 के लेवल को नीचे ब्रेक करता है और नीचे ही सस्टेन करता है, तो इस कंडीशन में अगर हमें पोजीशन बनाना है तो हम 18,800 का पुट जो 87 के ऊपर इसके LTP के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बाय बटन पर प्रेस करते हैं, एक लॉट मेंशन करेंगे, एक लॉट में जो क्वांटिटी आती है ये क्वांटिटी 40 आती है, वन लॉट में और करंट प्रीमियम के साथ जो मार्जिन लगने वाला है ये 3,480 का लगेगा। बाय बटन पर क्लिक करेंगे और अपने ऑर्डर को कंफर्म करेंगे। अभी मार्केट बंद है इससे हमारा ऑर्डर जो है आफ्टर मार्केट लगेगा। यस बटन पर क्लिक करेंगे, अपने ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। हमारा एक बार ऑर्डर प्लेस होने के बाद हम इसको थोड़ा बैक करते हैं और जिस भी ऑप्शन का हमने ऑर्डर लगाया है वो ऑप्शन को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और उसका चार्ट का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अगर हमारा पोटेंशियल रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा और अपने पोटेंशियल रिटर्न को अगर हम बुक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे सेल की बटन देखने को मिलती है। सेल की बटन का यूज़ करके आप अपने ऑर्डर को तुरंत ही बेच के अपना पोटेंशियल रिटर्न को बुक कर सकते हैं। ऑर्डर को चेंज मॉडिफाई डिलीट करने के लिए ऑर्डर ऑप्शन देखने को मिलता है, इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, साइड बार से आप अलग अलग टूल्स लगा के अपने चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों इतना इजी इतना आसान है एंजल वन एप्लीकेशन को यूज़ करना, यहाँ पे काम करना। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया तो मैंने फिर डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा के रखी है। अगर आप मेरे लिंक के माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होने वाला है, साथ ही 1 ईयर का MC चार्जेस आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो देर ना करें, आज अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और यहाँ की सर्विस का लाभ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।